26 नवंबर 2008 एक ऐसा दिन जिसने पहले से आतंकवाद से पीड़ित देश की आत्मा को न केवल झिंझोड़ कर रख दिया बल्कि पूरे विश्व को इस पीड़ा के प्रति जागृत भी किया। 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे और आतंक का तांडव शुरू किया। जो जगह चुनी गई वो सभी मुंबई की पहचान थी। मुंबई का कामा अस्पताल जहां शहीद हेमंत करकरे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, अशोक कामटे आतंकियों का मुकाबला करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुंबई का सीएसटी स्टेशन जहां से सफर करने वाले कई मुसाफिर एक ऐसे सफर पर निकल गए जहां से कोई नहीं लौटता। और शहीद सिपाही तुकाराम ओमले जिनकी बहादुरी के चलते एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल आमिर कसाब गिरफ्तार हो पाया जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। मुंबई का ताजमहल होटल धू-धू कर जल रहा था। ट्राइडेंट होटल भी आतंकियों का बंधक था और नरिमन हाउस में भी गोलियों की तड़तड़ाहट थी। 59 घंटों तक 10 आतंकियों ने देश को हिला कर रख दिया था। इतना ही नहीं घटना से समूचा विश्व स्तब्ध था। हमले में 166 लोगों की मौत हुई। देश के जांबाज सिपाहियों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकी हमले में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और रणनीति पर भी सवाल खड़े हुए। नीतिगत पहल के तहत भारत की समुद्री सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया। नए तटरक्षक स्टेशन और तटीय राडार चिन्ह स्थापित किए गए। प्रशिक्षित कमांडो यूनिट और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए मछुआरों की नौकाओं पर ट्रांसपोंडर लगाने की योजना के साथ इस तरह के हमलों से निपटने के लिए खास तैयारी की गई। समुद्री और तटरक्षक बलों की मजबूती के लिए सरकार ने नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क की भी स्थापना का फैसला लिया। अभी भी बहुत गुंजाइश है क्योंकि हमारे सिस्टम अभी ठीक चालू नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने आतंकवाद की चुनौती से कारगर और तेजी से निपटने के लिए देश भर में एनएसजी के 4 रीजनल हब बनाने का फैसला किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर 350 अत्यंत प्रशिक्षित कमांडोज का फोर्स बल गठित किया गया। आतंकी हमलों में जांच एजेंसियों की तेज और साझा कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई। वो दिन भी आया जब 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दिए जाने से हमले का दर्द झेल रहे शहीदों के परिजनों और देशवासियों को सुकून मिला। मुंबई हमले का गुनाहगार कसाब बेशक अपने किए की सजा पा चुका हो लेकिन सीमा पार बैठे उसके आका अभी भी कानून के दायरे से बाहर हैं। देश इस हमले की 5वीं बरसी पर उसका शिकार हुए बेगुनाह लोगों और उन्हें बचाने की जुगत में सेना और पुलिस के जाबाज शहीदों को याद कर रहा है। साथ ही आस लगाए बैठा है आतंकवाद के खात्मे की भी जो कि सही अर्थों में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैमरामैन विजय चंदेल के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज दिल्ली।